अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मेरा दिल मेरा दुश्मन का एक और न्यू प्रोमो। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है कि नाज़रीन यहाँ पे शमीर मायरा को कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर किसी और से शादी नहीं कर सकता, तुम मेरा पहला प्यार हो। तो नाज़रीन यहाँ पे मायरा शमीर को कहती है कि मैं तो तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे शादी करना चाहिए जो कि तुम्हें प्यार करे। तो नाज़रीन यहाँ पे वो ऐसा कहती है। और नाज़रीन दूसरी जनब आप लोग ये भी देखोगे कि नाज़रीन यहाँ पे शमीर की माँ है, वो नाज़रीन किचन में भाग कर जाती है और खुदकुशी की चाल चलती है, जिसकी वजह से शमीर फंस जाता है। और नाज़रीन शमीर को वो कहती है कि शादी कर लो। और नाज़रीन फिर भी यहाँ पे नाज़रीन टेबल पर बात करता है जैसे ही ज़फ़र कि इन दोनों की जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए। तो नाज़रीन यहाँ पे शमीर कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आयशा को गुस्सा आता है। और वो कहती है कि आंटी को फ़ोन कर दे, उन्हें कह दें कि मुझे रिश्ता मंजूर है। और नाज़रीन यहाँ पे दूसरी जन्म समझाती है शमीर की अम्मी उसे कि एक बार प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी सारी की सारी, फिर उसके बाद उसे छोड़ देना और दूसरी शादी कर लेना। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे शमीर बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। और नाज़रीन आगे आप लोग यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे शमीर की माँ शमीर को कहती है कि उस लड़की की तो अभी तक शादी भी हो चुकी है, तू उससे क्यों प्यार करता है, उसे छोड़ क्यों नहीं देता। तो नाज़रीन यहाँ पे मायरा भी देख रही होती है, सुन रही होती है कि यहाँ मेरे बारे में बात चल रही है, और शमीर भी नज़रें झुकाए खड़ा रहता है। और नाज़रीन यहाँ पे शमीर से माफ़िया मांगती है और कहती है कि आयशा से शादी कर लो। और नाज़रीन पीछे से आ जाता है ज़फ़र और नाज़रीन माफ़िया मांगता देखता है और आवाज़ लगाता है, अभी क्या होने वाला है, किन तरह का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।